हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ वर्षा लाल एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स का। इसके पहले हमने 4 लेक्चर किए हैं, वो आप एक बार देख लें, उसमें से ही सारे इक्वेशंस जो हैं इसमें भी यूज़ होंगी। ये एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स एक दूसरे से लिंक सब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से लिंक है, इसमें सारे इक्वेशंस बार बार यूज़ होंगी। पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें। आज हम लेक्चर नंबर 5 में क्या करने वाले हैं, हम इसमें 3 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल, सेकंड टॉपिक डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन लॉ, थर्ड इज बोहर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन लॉ। इसमें हम पहले प्लैंक्स थ्योरी एंड बोहर थ्योरी का एक बार देखेंगे। प्लैंक्स थ्योरी हमें क्या बताती है, प्लैंक्स इंट्रोड्यूस हिज क्वांटम थ्योरी बाय क्वांटाइजिंग द एनर्जी ई ऑफ एन एटॉमिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर रिपीटेटिव नेचर, एनर्जी इक्वल टू एन एच म्यू। म्यू क्या है हमारे इसके अंदर, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्बिट। ये हमारे प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ है। बोहर के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, बोहर इंट्रोड्यूस क्वांटाइज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ए सर्कुलर पाथ। एंगुलर मोमेंटम हमारा nh बाय 2π, ये हमारा बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। हमारा टॉपिक है विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन लॉ। उनकी जो वैल्यूज आएगी इसके अकॉर्डिंग, इसकी मदद से हम इन दोनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, प्लैंक्स की एंड बोहर की, विलियम समरफेल्ड क्वांटाइजेशन लॉ को यूज करके इन दोनों का हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं। विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन लॉ क्या कहता है, फॉर एनी फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम, विच द कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम, देयर एग्जिस्ट्स ए क्वांटम कंडीशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट्स। कोई भी फिजिकल सिस्टम ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम एंड वो एग्जिस्ट करेंगे क्वांटम कंडीशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट्स के लिए। इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइन इंटीग्रल PIDQINIH। इसमें हमारा QI क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, PI मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट कोऑर्डिनेट्स, NI इज क्वांटम नंबर। इंटीग्रल वैल्यू हम इसकी क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें जो ये इसका मतलब क्या है, ये हमने इसके अंदर क्यों यूज किया है, मीन्स दैट द इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स QI। जो ये इंटीग्रल है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज इंटीग्रल फॉर क्वांटम नंबर NI हमने इसके अंदर यूज किया है क्वांटम नंबर। अब हम इसकी हेल्प से हम डेरिवेशन करेंगे प्लैंक्स क्वांटाइजेशन एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो लेट अस अप्लाई विल्सन समरफोल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है फॉर दी वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ई इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ पी एक्स बाय एम। इसको हमने किस तरीके से लिखा है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, पी स्क्वायर बाय 2m, हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m,
एम से एम कैंसिल, तो ये आ गया ना हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हमने इस तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। ये जो E है हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो x स्क्वायर बाय 2 E हमारा नीचे E बाय K प्लस पी एक्स स्क्वायर बाय 2 m, ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो इक्वल टू में हमारा बच जाएगा 1। ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ गई। दिस रिलेशन बिटवीन x एंड पी एक्स इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी, ये देखिए कुछ कुछ इसी तरीके से आई है। इसमें से हम a की वैल्यू एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे इसका यूज करके। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट 2e बाय k, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट 2mb। ये हमने इलिप्स ले लिया जिसके सेमी एक्सिस हैं ए एंड बी, माइनर एंड मेजर एक्सिस एक्स एंड पी एक्स। जैसा कि विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल था उसके हिसाब से हमने इस तरीके से ले लिया, पी एक्स डी एक्स इक्वल टू इलिप्स ऑफ द एरिया क्या होता है हमारा, पाई ए बी। हम इसमें इस फॉर्मूले के अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो हमारी ये आई है इसको हम पुट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रूट के बाय एम, और इसको हम किस तरीके से लग सकते हैं, टू पाई वी। तो हम इसको टू पाई ई बाय, इसको हम टू पाई वी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और हमारा इक्वेशन क्या आ गई, लाइन इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई बाय वी। फॉर विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन लॉ का फॉर्मूला हमारा क्या था, NiH, ये जो थी ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल थी हमारी, NH के, इसको हमने NH के इक्वल रख दिया, तो हमारी ये इस साइड आके एनर्जी क्या आ गई, NHV। ये क्या है हमारा, बोहर क्वांटाइजेशन लॉ नहीं, ये है हमारा प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, विलियम समरफील्ड क्वांटाइजेशन लॉ का यूज़ करके हमने प्लैंक्स डेरिवेशन कर दिया है, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ, जो कि हमारी बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। हम इसको इस तरीके से और भी बना सकते हैं। ये क्या बताता है कि द अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ द ऑसिलेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सीरीज ऑफ इलिप्स इन द फेज स्पेस, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सक्सेसिव इलिप्स ऑलवेज बीइंग एच। अब इसी की हेल्प से हम डेरिवेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। बोहर में हमारा एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2π। ये वैल्यू हम समरफील्ड के का यूज़ करके हम इस वैल्यू को इसके इक्वल लेके आना है। द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, रेडियल पार्ट एंड दी, इसको हम r एंड थीटा के टर्म में लिखते हैं। इसमें जो r होता है हमारा mdr/dt, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसमें जो रेडियस होती है ये हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो पी आर तो हमारा जीरो के इक्वल हो गया। अब निकालेंगे हम पी थीटा, पी थीटा को उसी फॉर्म जिसमें विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन लॉ की जो इक्वेशन थी उसको इस तरीके से लिखा गया था, तो हम इसमें थीटा इस तरह से लिख देंगे इक्वल टू एन एच। ये वही इक्वेशन है।
पी थीटा को इस तरह से बाहर लेके आगे, ये वैल्यू जो पी थीटा की वैल्यू थी हमारी एन एच बाय टू पाई, और पी थीटा को हम इस तरीके से डिजाइनेटेड बाय द एंगुलर मोमेंटम। तो हमारी इसका फॉर्मूला यूज करके हमने बोहर क्वांटाइजेशन ला निकाल लिया। इसमें हमें यही था हमारा टॉपिक जिसका यूज़ करके हम इन दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर टू, डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन ला। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है हमारी, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, ये हमारी इक्वल टू होगी बोहर क्वांटाइजेशन ला के, ये हमें इस टॉपिक में देखना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कंसेप्शंस ऑफ मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी, ये हमारी आ गई वेवलेंथ। इसमें हमारा वेव नेचर बताता है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व इन ए सर्कुलर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें हम फिट कर देंगे दिस आइडिया विद द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, द वेव एसोसिएटेड विद इट मस्ट बी ए स्टेशनरी। ये स्टेशनरी वेव होती है इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका एरिया 2 पाई आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन एच अपॉन द लैम्डा के। इसमें से हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, एन एच बाय 2 पाई एम वी, एम वी आर, एम वी को हम इस साइड लेके जाएंगे तो आ गई एन एच अपॉन 2 पाई, और एम वी आर क्या होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम के इक्वल, मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस ऑफ द रोटेशनल एक्सिस। ये हमारा आ गया बोहर क्वांटाइजेशन ला के इक्वल, जैसा कि इसमें पूछा बताया गया। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर थ्री, बोहर्स कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया है, जो हमारी लार्ज वैल्यू होती है क्वांटम थ्योरी में, क्लासिकल थ्योरी में, उन सभी की वैल्यूज हमारी बोहर प्रिंसिपल के इक्वल आएंगी, ये हमारी सेम रिजल्ट देंगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एंड द लार्ज वैल्यू ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स गिव्स सेम रिजल्ट, ये हमारा बोहर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं द कंडीशन, हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टेबिलिटी वाली कंडीशन लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये हमने जैसे सेकंड लेक्चर में ये हमने निकाली थी ये वाली इक्वेशन, और द क्वांटम कंडीशन क्या होती है हमारी, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, और इनमें से जो दो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी जैसा कि सेकंड लेक्चर में हमने देखा था वी की और आर की, ये दो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी। द क्लासिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, फ्रिक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, वी बाय टू पाई आर, वन बाय टू पाई को हम इस साइड ले आएंगे वी की, और आर की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारी वैल्यूज क्या निकल के आएगी, ये आ जाएगी हमारी एम ई फोर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 2 सी बाय एन क्यूब, ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये हमारा इक्वल टू होता है रेबर्ड कांस्टेंट के। तो इस तरीके से एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 रेबर्ड कांस्टेंट सी बाय द एन क्यूब, एन क्या हमारा इसके अंदर क्वांटम नंबर, इसको हम एन की वैल्यू को 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक
कंडीशन अप्लाई. दिस इज द फ्रिक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएट बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लासिकली. तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी के देखेंगे. इसमें हमारी जो v डैश इक्वल टू क्या होता है हमारा me4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब, जैसा कि ये हमारा होता है रेबर्ट कांस्टेंट के इक्वल. जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये वही वेवलेंथ की हमारी इक्वेशन है जो हमने बाल्मर सीरीज के लिए निकाली थी. ये इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई हमारी. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इन्फिनिटी सी एन एफ का स्केयर फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट का स्केयर एन आई माइनस एन एफ इंटू एन आई प्लस एन एफ. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन डेल एन एन आई माइनस एन एफ इक्वल टू वन. ये कंडीशन है हमारी. राइट एन एफ को इक्वल टू एन एंड एन आई को हम एन एफ प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन. इस क्योंकि एन एफ क्या था हमारा, एन की इक्वल था, एन एफ को हमने एन लिख दिया. इस तरीके से हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी वन बाय आर इन्फिनिटी सी टू एन प्लस वन बाय एन स्केयर एन प्लस वन दी होल स्केयर. एन इज वेरी लार्ज, तो हम इस किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, टू एन प्लस वन बाय एन स्केयर एन प्लस वन का स्केयर. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टू एन बाय एन स्केयर इंटू एन स्केयर, और एन से एक एन कैंसिल, तो टू बाय एन क्यूब. ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आ जाए. तो फ्रिक्वेंसी क्या आ गई हमारी, टू आर इन्फिनिटी सी बाय एन क्यूब, जैसा हमने ऊपर. तो ये क्या आ गई, क्लासिकल की फ्रिक्वेंसी क्या आई थी हमारी, टू आर इन्फिनिटी सी बाय एन क्यूब. ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं बिल्कुल सेम है. यही हमारा बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल था, जो हमारी ये दोनों फ्रिक्वेंसी है इनकी जो लार्ज वैल्यू हैं वो सेम रिजल्ट देंगी. दिस इज़ द बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू.